स्वतंत्रता संग्राम, ये वो दो शब्द हैं जिन्हें जब भी हम किसी से सुनते हैं या किसी कारण से हमारी सोच में ये शब्द आ जाते हैं तो आंखों के सामने तस्वीरें उभरती हैं उन लोगों की जिन्होंने गुलामी के तमाम जुल्म सहे, उन सूरमों की जिन्होंने अपनी जानों को कुर्बान कर दिया। स्वतंत्रता के लिए भारत के शूरवीरों के संघर्ष से जुड़ा एक हिस्सा अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर की सेलुलर जेल है, जिसे काला पानी भी कहा जाता था। आजादी के बाद भले ही ये सेलुलर जेल स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा एक राष्ट्रीय स्मारक बन गया है, लेकिन इसका इतिहास क्रूरता से भरा एक काला सच है। भारत की आजादी के लिए जब पहला संग्राम 1857 में शुरू हुआ तो गुलामी का जुल्म सह रहे हर भारतीय के मन में आजाद होने की चिंगारी सुलगने लगी। जब अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा किया तो उनके सामने ये विद्रोह एक बड़ी चुनौती बन गया था। विद्रोह की ये आग ना फैले, इसे रोकने के लिए अंग्रेजों ने सभी स्वतंत्रता सेनानियों को सजा देने के लिए ऐसी जगह चुनी जो भारत से अलग थलग थी। इसी मकसद से यहाँ पर जेल का निर्माण किया गया, लेकिन यह जेल आम जेलों से बहुत अलग थी, बल्कि अगर कहा जाए कि आज तक की सबसे भयानक जेल तो गलत नहीं होगा। इस जेल में करीब 696 सेल यानी कक्ष बनाए गए थे। हर सेल की लंबाई और चौड़ाई 3 मीटर के आसपास थी। आजादी के दीवानों को यहाँ पर लाकर रखा जाता, उन पर इस तरह के जुल्म किए जाते कि वो आजादी के सपने को भूल जाएं। उन पर किए गए जुल्मों की कोई इंतहा नहीं थी। कैदियों को सिर से लेकर पैर तक हमेशा बेड़ियों में रखा जाता, उन्हें तब खोला जाता जब उनसे कुछ काम लेना होता था। हर वक्त उनसे अमानवीय व्यवहार किया जाता, हर तरह से उनका अपमान किया जाता। हर सेल को इस तरह बनाया गया था कि अपने साथ वाले सेल में भी कैदी को देख पाना या उसे सुन पाना मुमकिन नहीं था, लेकिन हर सेल में हर कैदी की पूरी तरह से निगरानी की जा सकती थी। जेल के पहरेदार कैदियों को बंद करके ताले की चाबी जेल के अंदर ही फेंक देते थे, लेकिन वो कैदी उन चाबियों तक पहुंच नहीं पाता था। कैदियों को पीने के लिए गंदे से गंदा पानी, खाने के लिए सांपों कैंचियों से युक्त भोजन दिया जाता था। इस जेल में स्वतंत्रता सेनानियों को भेजने का केवल एक ही मकसद होता था, उनके जीवन को नारकीय बनाकर उनके मन के अंदर जल रही आजादी की चिंगारी को बुझा देना। लेकिन इन तमाम अत्याचारों और क्रूरता के बावजूद किसी के अंदर आजादी को पाने की ना तो चाह कम हुई, ना ही किसी का साहस टूटा। ये सेलुलर जेल कई स्वतंत्रता सेनानियों की मृत्यु की जगह भी बनी। इनमें से एक महावीर सिंह भी थे जो भगत सिंह के अनुयायी थे। इसके अलावा मोहित मोइत्रा, मोहन किशोर नमदास ने भी आजादी का सपना देखते देखते इसी जेल में अपनी जान दे दी थी। उनके अलावा योगेंद्र शुक्ला, विनायक दामोदर सावरकर, बटुकेश्वर दत्त, सचिंद्र नाथ सान्याल और बाबा राव सावरकर कुछ ऐसे लोकप्रिय स्वतंत्रता कार्यकर्ता हैं जिन्होंने इस सेलुलर जेल में एक महत्वपूर्ण समय बिताया था। इतिहास गवाह है उन दिनों और रातों का जहां हर पल आजादी की चाह रखने वालों पर जुल्म किए जाते जो मौत से भी बदतर होते थे, लेकिन अत्याचारों की कोई भी हद उनके दिलों से आजादी का जज्बा मिटाने में कामयाब नहीं हुई। आज हम आजाद हैं, समय बहुत आगे बढ़ चुका है। ये जगह हमें याद कराती है उन शूरवीरों की जिनकी जानों की कीमत पर हमने ये आजादी पाई है। ये जेल भले ही अब एक स्मारक का रूप धारण कर चुकी हो, लेकिन इसका हर कोना, हर जगह गवाह है उस क्रूरता का जिसे हमारे सेनानियों ने झेला और हमें आजादी दिलवाई।
वंदे मातरम।